बल्कि अब तो वो नौजवान लड़के और लड़कियां गोया के घर वालों पे एहसान करते हैं, जो अपने माँ बाप को कहते हैं कि तुम ढूंढो हम पसंद कर लेंगे। अब तो हाल ये है 17-18 साल के लड़के आकर के कहते हैं आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब्बू जी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अम्मी जान आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप ढूंढते फिरते परेशान होते, हमने आपका काम हल्का कर दिया, हम खुद पसंद कर चुके हैं, अब आपको पसंद हो या ना हो फैसला तो हम कर चुके कि शादी तो वही होगी जहां हम चाहते हैं। लेकिन मैं अपने नौजवानों से कहता हूं, मेरी कौम के जवानों याद रखना, आप तजुर्बात में इतने पक्के नहीं हैं जितने आपकी अम्मी और अब्बा पक्के हैं, जितने आपके दादी दादा पक्के हैं। इसलिए जिन लोगों ने बड़ों के मशवरे से अपनी जिंदगी का साथी ढूंढा वो हमेशा खुश रहते हैं, और जिन लोगों ने अपनी मर्जी के मुताबिक साथी ढूंढा वो हमेशा परेशान रहते हैं। आपको ये बातें मैं बार बार इसलिए सुनाता हूं और आपको बार बार इसलिए समझाता हूं कि प्रोग्राम कराने वाले बड़े बूढ़े मुझसे कहते हैं, आप कहेंगे तो ये मान जाएंगे, और खुद लोग मेरे पास भी आकर के कहते हैं, अभी शायद कल ही की या परसों की बात है कि एक सफर में मैं हाफिज साहब के साथ था, एक साहब का तस्करा निकला कि बीवी बहुत परेशान कर रही है, बहुत सता रही है, ऐसी के यहां से ले जाती उधर, उधर से ले जाती इधर। मैंने कहा कि आखिर टेंशन क्या है, तो हाफिज साहब ने कहा हजरत असल में पसंद की शादी हुई तो पहले से सर पे चढ़ा के रखा, शादी से पहले सर पे चढ़ा के रखा, तब शादी के बाद सर से उतरने वाली कैसी है, कैफियत ये है। तो याद रखना ये हंसने की बात नहीं है, ये तल्ख तजुर्बात है लोगों के, खुद तजुर्बा करने की बजाय लोगों के तजुर्बे से फायदा उठाओ। अगर तुमने लोगों के तजुर्बे से अपने आप को आगाह नहीं किया तो तुम लोगों से अगर इबरत हासिल नहीं करते तो तुम लोगों के लिए इबरत बन जाओगे। तो याद रखना ये पसंद की शादियां ऐसी तबाही की मचाई हुई है। जब बात क्या होती है, उसको बहलाने फुसलाने के लिए खूब लल्लू पप्पू करते हैं, ऐसा जी वैसा जी, ये जी वो जी, आपके लिए ऐसा वैसा, तारे तोड़ के लाएंगे, चांद बिछा देंगे, ये कर देंगे, नई दुनिया बसा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, खूब बातें होती है। अब जब वो सर पे चढ़ गई या वो सर पे चढ़ गया तो अब शादी अगर हो भी गई तो निभा बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए कि कुरान कहता है अर-रिजालु कवामून अला निसा, कि मर्द औरतों पे हाकिम है। जब उसको पहले से जी जी हुजूरी की आदत पड़ गई तो फिर वो अब शादी के बाद आपकी सुनने वाली कब है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों ये बात भी याद रखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बीवी के साथ उसमें सुलूक करो, लेकिन जो अपनी बीवी का गुलाम बन जाए अल्लाह उसके रसूल ने उस पे लानत फरमाई है। जोरू का गुलाम बनना भी जायज नहीं है और बीवी पे जुल्म करना भी जायज नहीं है, इस्लाम मजहबे एतदाल है। तो ढूंढने में जो आपकी चॉइस है उसमें आप थोड़ा सा नीचे आए, जमीनी हकायक की तरफ आए, अपनी जिंदगी की तरफ आए, जिंदगी के लिए कौन मुफीद हो सकता है इसकी तरफ आए, जिंदगी के लिए कौन मुजीर हो सकता है उससे बचने की कोशिश करें।